नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। अपनी बिटिया के इलाज के लिए 6 लाख रुपए बैंक से निकालकर दवाई की दुकान में दवा खरीद रहा था एक शख्स। उसी दौरान कंजर गिरोह का एक व्यक्ति आया और उसकी डिक्की से 6 लाख रुपए निकालकर भागने लगा। इसी दौरान मालिक की नजर पड़ गई उस पर। तत्काल ही वह दौड़कर अपनी मोटरसाइकिल के पास आया और चोरी करने वाले को रंगे हाथ पकड़ लिया। इसके बाद आरोपी मारपीट करने लगा। मौके पर पुलिस आ गई, चोरी करने वाला रंगे हाथों पकड़ा गया। मामला मऊगंज का है। पुलिस ने चोर को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। चोर ने कई चोरी की आरोपी भी कबूल कर ली है। आरोपी घुमक्कड़ जाति के कंजर गिरोह का हो सकता है, पुलिस ये मानकर चल रही है। इस तरीके की लूट का यह कोई पहला मामला नहीं है। इसके बाद भी इस तरीके की एक लूट 4 अगस्त को हुई थी, उसको भी इस चोर ने कबूल लिया है। हम आपको बता दें, बीते 29 दिसंबर को एक पिता अपनी बेटी के उपचार हेतु एक्सिस बैंक से 6 लाख की राशि निकालकर मेडिकल स्टोर में दवा खरीद रहा था। उनका नाम रमेश कुमार सोनी, निवासी गांव चौहाना था, जिनकी बाइक की डिग्गी से लूट करने वाले आरोपी को मऊगंज थाना पुलिस ने चोरी करते तत्काल गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को शक है कंजर गिरोह बैंक से पैसा निकालने वालों पर नजर रखता था, जिसके चलते पुलिस भी कई दिनों से बैंक के आसपास नजर रख रही थी। पुलिस ने बैंकों पर नजर रख रही थी, उसी दौरान ये हादसा हो गया। एक्सिस बैंक से 6 लाख रुपए निकालने के बाद रमेश कुमार सोनी दवा की दुकान पर पहुंचे, मोटरसाइकिल खड़ी करके दवाई खरीद रहे थे। उसी दौरान उन्होंने देखा एक व्यक्ति उनकी मोटरसाइकिल की डिक्की का लॉक तोड़कर पैसे निकाल रहा है। तत्काल वह वहाँ व्यक्ति के पास पहुंच गए, पैसा निकालने वाले को धर दबोचा। उसके बाद लूटपाट करने वाला आरोपी उनके साथ मारपीट करने लगा। वहां पर भारी भीड़ एकत्र हो गई। मौके पर पुलिस भी पहुंच गई। पुलिस ने लूट के आरोपी को पकड़ लिया, उसके पास से 6 लाख रुपए की राशि बरामद कर ली गई है। अब पुलिस अन्य मामलों में भी उससे पूछताछ कर रही। फिलहाल अरुण कंजर पिता मान सिंह कंजर उम्र 30 साल को पुलिस ने गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश करके जेल भेज दिया है। उससे पूछताछ करने के बाद और भी मामले भविष्य में उजागर हो सकते हैं, ऐसा पुलिस मान। फरियादी रमेश चंद सोनी जो चौहना के निवासी हैं, कल ये बैंक से एक्सिस बैंक मोगन से इन्होंने 6 लाख रुपए दिन में करीब 4 बजे निकाले थे और अपनी बेटी के इलाज के लिए ये कुछ दवाई लेने के लिए लक्ष्मी मेडिकल स्टोर पर रुके थे। वहाँ पर उन्होंने अपनी मोटरसाइकिल में 6 लाख रुपए का बैग छोड़ दिया था। अचानक एक बदमाश आया और वो जो डिग्गी में से मोटरसाइकिल से पैसे निकालने लगा। फरियादी रमेश सोनी तत्काल वहाँ दौड़ के पहुँचे। आरोपी ने उसके साथ फरियादी के साथ मारपीट की और बैग छीन के भागने लगा। मौके पे वहाँ पे पुलिस भी गश्त में थी। पुलिस और आम नागरिक वहाँ पहुँच गए और आरोपी को रंगे हाथों पकड़ लिया मय बैग के। और पूछताछ करने में आरोपी ने अपना नाम अरुण कंजर बताया, जो कि चुवाही गांव थाना मंझोली जिला सीधी का था। बाद में जब इससे पूछताछ की गई तो इसने बताया कि ये पूर्व में भी इसी टाइप की घटना में गिरफ्तार हो चुका है और करीब 2 साल पहले एक घटना इसने की थी। उसने ये भी बताया कि इसी साल 7 तारीख को, 7 अगस्त को इसने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बाहर भी 4 लाख रुपए की लूट की थी। पुलिस ने उस केस में भी FIR की थी और उसमें इस प्रकरण में भी इस आरोपी अरुण कंजर को गिरफ्तार कर लिया है और पैसे बरामद करने की प्रयास किया था। इसमें और उसके गिरोह के सदस्य पकड़े गए? इसमें जो कल की घटना है उसमें अरुण कंजर ने बताया कि उसके साथ उसके गाँव का एक और आरोपी था जो कि मोटरसाइकिल पे था और इन लोगों का ये प्लान था कि बैग लेते और मोटरसाइकिल से तुरंत ये पीछे बैठता और दोनों लोग भाग जाते। पूर्व की घटनाओं में और भी कई लोगों के नाम आए हैं। जो अगस्त में घटना हुई थी 4 लाख रुपए की लूट वाली, उसमें 5-6 लोगों के नाम आए हैं और पुलिस उनकी तलाश कर रही है, पूछताछ कर रही है।
ताज़ातरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।